I hope you're feeling motivated today. Welcome to Manage Well Season 2 with me, Divya Tusniyal. In this season, we are all about embracing a healthier, more active lifestyle. I'm sure you all must be wondering if it's about health and fitness, then why have we named it Manage Well? The answer is that our most lavish wealth is our health, be it physical or mental. It's an absolute honor to have a fitness icon among us today. Our guest is not just a trainer, he's a powerhouse in transforming lives and inspiring millions with his dedication. To health and wellness. So, without further ado, let's give a warm welcome to the one and only Prashant Sawant. Hello, Prashant. Hello. How are you? I'm good here. Thank you. I must say, Prashant, your dedication to promoting a healthy lifestyle is truly commendable. Your ability to not only transform bodies but also inspire a broader sense of well being is something all the B Town celebrities deeply appreciate. It's an absolute pleasure to have someone of your caliber on the show. Welcome, Prashant. Welcome to our show. Thank you for having me here. So, Prashant, we saw you training with some of the Bollywood's biggest stars. That looked like so much fun. I must ask, what's your favorite thing about working with those high-profile celebrity clients? Initially, yeah, I got that feeling when I really met Shah Rukh Khan first time, wow. and because uh, in my life. शाहरुख खान की शूटिंग देखने के लिए मैं दस घंटा रास्ते पे खड़ा था और वही शूटिंग के लिए मैं उनके साथ ट्रैवल भी किया सो मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम वाज अ रियली फॉर मी वाज ओ माय गॉड लाइक शाहरुख खान एंड द वे ही लुक एंड यू नो एंड बेसिकली उनका जो अप्रोच था जो फर्स्ट टाइम मिलने का सो so, वो रियली really, वो अमेजिंग था सो आई थिंक दैट रियली स्ट्राइक मी लाइक में बिग स्टार एंड द वे

So, so तो तो yeah, that that तो री को लगता हैेसर oh प्रोफाइल

kind of good work which you do with them help hmm. them achieve their मुझे goals मुझे ऐसा लगता है कि मैं आ, आ, लोगों की पर्सनालिटीज समझ लेता सो so, इसकी वजह से मैं काफी लोगों को अच्छे तरह से हैंडल कर पाता तो आप जब फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो तभी आपको पता चल जाता लाइक यू रियली नो व्हाट इज लुकिंग फॉर नहीं ऐसे नहीं है आई डोंट टेल देम दैट यू नो व्हाट आई वांट टू डू आई शो देम एंड आई लेट देम ग्रो विद मी सो मुझे ऐसा okay. लगता है कि आप वो प्रोसेस एक बनाता हूं मैं मेरे माइंड में और मैं वो आ, वो प्रोसेस के अंदर उनको लेके जाके वो प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करता देन so भी पार्ट ऑफ दैट दैट एंड इज़ बहुत डिफिकल्ट होता होगा कभी-कभी किसी जाकेट पर्सनालिटी को हैंडल करना maybe. Okay. मुझे वैसे नहीं मिले। और जो मिले वो सब अच्छे मिले जो सेलिब्रिटीज मिले वो भी अच्छे मिले

Okay. मेरे लाइफ में अगर वो मेरे लाइफ में नहीं होते और उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो उनको ट्रेन करने का तो शायद मैं आपके साथ बेटा भी नहीं होता आज भी मतलब अगर मैंने उनको कहा कि यू नो you know, आप 100 पुशअप्स मारो एट द एंड ऑफ द वर्कआउट वो करेंगे क्योंकि मैंने कहा ओके सो ही इज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही रियली रिगार्ड्स यू ही फॉलोस टू द टीचर ही फॉलोस टू द टीचर

वर्कआउट करे तो हमारा वर्कआउट हमेशा चलता है मतलब हम ऐसे नहीं है कि मतलब हम मूवी के लिए प्रिपेयर करते वी कीप डूइंग इट थ्री टू फोर टाइम्स अ वीक मतलब कंसिस्टेंसी है जो मतलब यू नो एस आर के को उन्होंने जो कंसिस्टेंसी रखी इसके वजह से वो आज बॉडी इतनी अच्छी है वो टाइम भी लगाए मतलब यू नो फॉर दिस नाइन सर्जरीज यू नो ऑन दिस बॉडी इंजरीज होने के बाद सो आई थिंक दैट पठान के लिए हम हमने जीरो के बाद पठान की शुरुआत की थी आ, हम वर्कआउट कर रहे थे फेब मार्च में कोविड आ गया अनफॉर्चुनेटली so, हम वो करते रहे वर्कआउट वीडियो पे या फिर गाइडेंस पूछते थे करते थे मतलब क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज उन्होंने छोड़ा नहीं वो कहीं ना कहीं पूछ के एक्सरसाइज लेके वीडियो कॉल पे या फिर फोटो भेज के करते रहे और जब एक एक टाइम आया जहाँ पे कोविड के थोड़ा कम हो गया और बाहर निकलने लोग शुरू हो गए तो so, वहाँ पे उन्होंने फिर मैं वापस से जाके फिर जो एक्स्ट्रा मुझे करना था वो बट पठान के जो हम लोगों ने पूरे इसमें हम लोगों ने काफ़ी चेंज किया था स्ट्रक्चर थोड़े बड़े होने थे क्योंकि वो पठान था और यू you नो know, वो लुक वैसे थे लंबे बाल थे

इंसान का वो ड्रीम होता है कि वैसे बॉडी बौड़, ऐसा बना दे अलग टाइप की बनती उनकी एक अलग टाइप की बॉडी बनी है वो हमारा हमेशा से ब्रीफ था कि वो बॉडी होनी चाहिए जो मॉडल जो ब्राम पे चलते है उनको लड़के भी पसंद करते और लड़कियां भी पसंद करती है कि लड़कों को लगता है कि मेरी बॉडी वैसे ऐसे में लड़की बोलेगी कि मुझे लड़का कभी मिलेगा तो वो हमारा काम हमेशा वो था और हमको बॉडी भी वो टाइप की चाहिए थी आई थिंक टूडेज बॉडीज एज और जितना पेन उनको है उसके बावजूद you know, to Uh, से और आ, आप, हमें नहीं मालूम होता है कि वो, कितना दर्द हो कभी दिखाते नहीं है so, you know, time, जब आपको वो हंड्रेड परसेंट तो हमें नहीं मालूम होता है कि, uh, उनको कितना पेन है क्योंकि बोलते नहीं है मुझे मालूम है मैं इतने साल से कर रहा हूँ स्लो ही जाता हूँ और मैं पॉज भी करता हूँ बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको कैसे आपको क्या मोटिवेट करता है हु मोटिवेट्स यू सो मेरे लिए आ, कुछ ऐसा मतलब आई हैव हैव नो पर्सनल लाइफ टू टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंस आई गॉट माय चाइल्ड लिटिल बैक वही है बस ब्रांड भी है मेरा मतलब मैंने काफ़ी पच्चीस सा, 20 साल पहले मुझे यू नो एसआरके ने ही मुझे मतलब यू नो दैट हेल्प की थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था और मैंने आज वो 20 साल से मेरी ब्रांड को मैंने काफ़ी बड़ा भी किया है और अब उसको मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है एंड

मतलब आपने सुना भी होगा कि मैं काफ़ी मेरी बचपन मोटा पेन में गई है मतलब आई वॉज फैट किड एंड यू नो एंड माई फादर वॉन्टेड मी टू गो ऑन द मर्चेंट नेवी शिप पे सो यू नो मैंने वो काफ़ी वो फैट से फिट होने में

और जो भी मेरे पास आए उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी अगर उनकी रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स की होती तो मैं वो टाइप का ट्रेनिंग कर लेता आई एम श्योर आवर ऑडियंस हैज गेन वैल्यूएबल इनसाइट योर एक्सपर्टीज इज ट्रूली इंस्पायरिंग हैव गेन वैल्यूएबल नॉलेज फ्रॉम दिस होल कन्वर्सेशन एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर नेक्स्ट 2 3 4 आवर्स विद यू लाइक दिस बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू टू कम एन एंड Like this. But then it was really amazing to have this conversation with you. I'm telling this to you from the bottom of my heart. We will be right back after a short break. Welcome back to Manage Well Season 2. We are here with Prashant Savant. Prashant, you have been an inspiration for many. But one thing which still blows my mind is that how skyrocketing your career has been.

लाइक यू नो सो आई अंडरस्टैंड वे दे आर वे दे स्टैंड वो एक जर्नी होती है जर आपको लाइफ कोचिज की भी जरूरत होती है या फिर आपको एक्सपर्ट्स uh, की जरूरत होती है आई थिंक दैट आई नो दैट बेटर आई नो हाउ टू हैंडल आई नो कहाँ पे आपको रुकना चाहिए कहाँ पे आपको पुश नहीं करना चाहिए मतलब आपको रोकना कहाँ है वो आपके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके करियर में है और आपके ट्रेनर में होना चाहिए Wow! In hearing the incredible journey you've been on from obscurity to training the most in-demand stars in Bollywood, it's no wonder that you have countless fans and followers inspired by you. Before we shift to geared into some quirky questions, let's have a huge round of applause again for Prashant. I'm really, uh, uh, really, you know, quite kind and you know, thankful to you know, kind of the way you are appreciating my work. I'm really grateful.

इफ यू कुंडल्ज इन ड्रीम चीट डे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसि व कौन सा खाना आपको खाना है जिससे कोई मोटापा नहीं बढ़े घर का घर का खाना ओके इफ यू कुटनेस रिलेटेड सुपर पावर लाइक सुपर स्पीड या सुपर स्ट्रेंथ वॉट वुड इट बी अगर आपको एक वरदान मिल जाए बीच वर्कआउट और मॉट माउंटेन वर्कआउट I knew this answer. I was waiting for you to tell me. Ice cream or kale smoothie? Your guilty pleasure or healthy eating? Ah, uh, kale smoothie. Okay. Which celebrity's fitness routine do you find most interesting? Khan. Oh my god. What's the weirdest fitness trend you've ever come across? This is something that keto and okay. uh, fasting, intermittent inter fasting, fasting, and kind of uh, that. I think that is. Okay what is the most unusual fitness challenge which you have taken or undertaken? no, i have not taken any kind of unusual taken challenge. i have okay. taken the life challenge. very nice. what's the oddest piece of workout equipment you've used? for a equipment. so i got this very interesting uh, dumbbells which is, you know, vibrates and, you know, your body gets pumped. so that's the like funniest thing and i think so it's very interesting. yeah, right? it's very good. you should have carried it to the set. yeah, i think next time.

तो so, प्रशांत हम आपको एक चैलेंज देंगे जो घर बैठे ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेंगे उसका एक रील बनाएंगे और हम एक सोशल मीडिया में टैग करेंगे तो आपका चैलेंज है हाफ टू थ्री फोर ट्वेंटी वाओ अमेजिंग प्रशांत थैंक यू सो मच वी जस्ट लव थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इंसाइटफुल जर्नी इन टू द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस

<laughs> but uh, thank you. Thank you so much uh, for making my poster. I need to look Little like this now. Yeah, I need to lose weight. Thank you so much. I have to write something. Yes, please sign. Oh my God. <laughs> thank you so much. Thank you. So, Prashant, until next time, take care and remember our motto. Stay healthy and be wealthy. Thank you so much.